लखनऊ में एक दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग इसमें घायल हैं। प्रशासन के अनुसार मारे गए लोग दिलकुशा के आमी इलाके में क्वार्टर्स के निर्माण के लिए लखनऊ आए थे। 2 महीने पहले ही निर्माण का काम पूरा हो गया था, लेकिन वहां काम करने वाले मजदूर दिलकुशा के इस इलाके में अवैध ढंग से रह रहे थे। वही मजदूर इस हादसे के शिकार हुए हैं। मारे गए लोगों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिवारजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने सभी घायलों के मुफ्त इलाज का भी आदेश दिया है। लखनऊ में भारी बारिश से तबाही, आज स्कूल दफ्तर सब बंद, प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की दी सलाह। मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल से 9 शव निकाल लिए गए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के डीएम ने बताया कि घायलों का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। गुरुवार से लखनऊ में तेज बारिश हो रही है, इसी दौरान रात में यह दीवार गिर गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आर्मी के राहत दल ने मौके से शव निकाले और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने एक निजी चैनल से बातचीत में बताया कि अवैध ढंग से यहां रह रहे मजदूर राय को कुछ समय पहले यहां से हटाया गया था, लेकिन वे दोबारा यहां आकर रहने लगे। उन्होंने कहा कि यह कैंट का एरिया है, कैंट क्षेत्र में काम 2 महीने पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन मजदूर यहां से अवैध ढंग से झोपड़ियां डालकर रहने लगे। उन्हें यहां से हटाया गया, लेकिन उन्होंने दोबारा यहां झोपड़ियां बना ली। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि हादसे के वक्त झोपड़ियों में कुल 11 लोग मौजूद थे, जिनमें से 9 की दुखद मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। डीएम ने बताया कि मारे गए लोगों में 3 की उम्र 18 वर्ष से कम है।